आ जाएगा। इंग्लिश में देखते हैं हम, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 46,573 फ्रॉम 5,76,937। अब हिंदी में देखते हैं, जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को, तो पीछे से हम इसको करते हैं ऑन राइट हैंड साइड। हमें इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया? आपको 5,76,937 में से 46,573 को सब्ट्रैक्ट करना है। इंग्लिश में भी मैंने समझा दिया, हिंदी में भी मैंने समझा दिया। अब मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि सब्ट्रैक्शन कहीं भी करना हो हमें, तो एक बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नो मैटर हाउ। अगर वो एक लाइन में कैसे भी लिखे हुए हैं, आपको रीअरेंज करके एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब हम सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, हम लोग अब सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट। जिन लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं बनानी है, बहुत अच्छी बात है कि आप विदाउट प्लेस वैल्यू चार्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हमें एक लाइन तो लीव करनी ही है, एक लाइन तो लीव करनी ही है फॉर बोरो, हमें ये लाइन लीव करनी ही है फॉर बोरो। अब हम बिगर नंबर लिखेंगे मतलब माइनर लिखेंगे, माइनर लिखेंगे मतलब बिगर नंबर लिखेंगे, है ना। अगर हम बिगर नंबर पहले लिख रहे हैं तो मतलब माइनर लिखेंगे। यस, अब माइनुएंट कौन सा नंबर है जल्दी से टाइप करके बताएंगे, विच वन इज द माइनुएंट, विच वन इज द माइनुएंट और बिगर नंबर। आपका बिगर नंबर कौन सा है या माइनुएंट कौन सा है जल्दी से मुझे टाइप करके बता देंगे। गुड मॉर्निंग बेटा दित्य, जल्दी से बता देंगे मुझे टाइप करके कि आपका बिगर नंबर और माइनुएंट कौन सा है, माइनुएंट और बिगर नंबर कौन सा है। यस, इन दोनों नंबर्स में से माइनुएंट कौन सा है, बिगर नंबर कौन सा है जल्दी से बताएंगे। 5,76,937 is the bigger number, तो हम उसे right hand side से लिख लेंगे जल्दी से, 7,3,9,6,7 and then 5। आपको place value chart बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो काफी बार आपने practice कर लिया है तो आपको आ गया होगा numbers को लिखने के लिए। Very good, अब हम smaller number लिखेंगे, subtrahend लिखेंगे smaller number, right? सब्ट्रैक्ट लिखेंगे जल्दी से, सब्ट्रैक्ट इज 46,573, तो हम राइट हैंड साइड से लिखेंगे इसको 3,7,5,6,4। जो नंबर नहीं दिया होता, जो डिजिट नहीं होता है, उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं जल्दी से बताएंगे, 0। वेरी गुड देवकाम, हम 0 लिख देते हैं उसकी जगह और हम इसको माइनस कर देंगे। जल्दी से सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, हम सब्ट्रैक्ट भी राइट हैंड साइड से करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हम राइट हैंड साइड से करते हैं। जल्दी से सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट हैंड साइड से, वंस वाले कॉलम को अगर हमने सॉल्व किया तो सब्ट्रैक्ट करना है, 7-3 is 4, 7-3 is 4, एवरीवन इज क्लियर, सबका आंसर आ गया 4। अब हम 3 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते हैं, तो बोरो लेकर आएंगे 9 के पास से, 9 भैया हमको बोरो दे दो, तो 9 बोरो दे देगा 3 को, तो 9 हो जाएगा 8 और 3 हो जाएगा 13। हम इसको सर्कल भी करते हैं, बोरो को और कैरी दोनों को हम सर्कल करते हैं, हमने इसको सर्कल कर दिया। 13-7 जल्दी से बताएंगे, 13-7 जल्दी से बताएंगे, 13-7 6 और 5 6, वेरी गुड। नाउ क्या हम 8 में से 5 को माइनस कर सकते हैं, क्या हम 8 में से 5 को माइनस कर सकते हैं? यस, व्हाट विल बी आवर आंसर, 3। नाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट 6-6, यस वी गेट 0। नेक्स्ट कैन वी सब्ट्रैक्ट 7-4, यस वी गेट 3। नेक्स्ट कैन वी सब्ट्रैक्ट 5-0, यस वी गेट 5। ओके, सब्ट्रैक्शन में किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताएंगे, सब्ट्रैक्शन में किसी को भी प्रॉब्लम है, यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि सर मुझे प्रॉब्लम है। अगर आपको यहां तक प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताएंगे कि सर मुझे प्रॉब्लम है, जल्दी। ये हमारा डिफरेंस आ गया, अब इस डिफरेंस को हम ऊपर लिखेंगे, हम इस डिफरेंस को ऊपर लिख देंगे माइनुएंट की जगह पे, अब ऐड करेंगे ना तो माइनुएंट की जगह पे लिख देंगे, और सब्ट्रैक्ट को हम वहीं लिखेंगे जहां पर वो लिखा हुआ है, और क्या कर देंगे उनको, प्लस कर देंगे, क्या करेंगे उनको, प्लस करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंस क्या है, राइट हैंड साइड से लिखेंगे 6, 4, 6, 3, 0
3 एंड 5, राइट। और हमारा सबट्रैहेंड क्या है, 46,573, तो हम लिखेंगे 3, 7, 5, 6 एंड 4, राइट। अभी यहां लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे, और जो नंबर नहीं दे रखा होता उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो नंबर नहीं दिया होता उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। एक हमारे पास जीरो होता है, जहां पे कोई भी डिजिट नहीं दिया होता तो हम उसकी जगह पे जीरो लगा देते हैं। और हमारे ऊपर वाली जो लाइन है वो किसके लिए है, जल्दी से बताएंगे, जो ऊपर वाली लाइन है वो किसके लिए है, जो ऊपर वाली लाइन हमने ड्रॉप की है वो वाली लाइन किसके लिए है, ये लाइन किसके लिए हमने ड्रॉप की है, बोरो नहीं बेटा दित्या, एडिशन में क्या होता है, एडिशन में कैरी होता है, एडिशन में क्या होता है, कैरी होता है, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बोरो होता है, वेरी गुड। तो हमने ये वाली लाइन कैरी के लिए छोड़ी है, अब हमने ये लाइन कैरी के लिए छोड़ दी है, अब हम यहाँ पे कैरी लेकर आएंगे अगर कोई आता है तो, है ना। और हमने डिफरेंस को यहाँ पे लिख दिया है, राइट, और सब्ट्रैहेंड को हमने स्मॉलर नंबर को वापस से यहाँ पर लिख दिया है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, राइट, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, इन दोनों को प्लस करेंगे जल्दी से, 4 plus 3 is 7, 4 plus 3 is 7, very good, 4 plus 3 is 7. Now 7 plus 6 is 13, very good, 3 you will write here and 1 will be our carry. Now 5 plus 3 plus 1 is 9, right? Next is 6 plus 0 6, next is 4 plus 3 is 7, next is 5 plus 0 is 5. अभी ध्यान से देखेंगे आप लोग यहां ध्यान से देखेंगे, ये हमने सॉल्व किया है, राइट, ये हमने सॉल्व किया है, और यहां पे हमने क्या किया है, चेक बोलते हैं इसको, और वेरीफाई किया है। यहां तक समझ में आया सबको? अभी देखो क्या आपका जो माइनमेंट यहां पर था, वही यहां आ गया है, अगर ये वही है तो हमने चेक कर लिया है, यस हमारा आंसर ठीक है, आंसर यही है, आंसर इज दिस। ये आंसर को चेक करने के लिए हमने एडिशन किया है, हमने इस एडिशन को क्यों किया है, ये आंसर को चेक करने के लिए, ये डिफरेंस को चेक करने के लिए हमने क्या किया है, ये वेरीफाई करके देखा है कि हमारे जो हमने सब्ट्रैक्शन किया है क्या वो हमने सही किया है कि नहीं किया है, तो हमने डिफरेंस के साथ में सब्ट्रैहेंड को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनुएंट वापस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनुएंट वापस आ जाएगा, जो हमारे पास यहां है वही हमारे पास यहां पर आ जाएगा। क्या यही है, 5,76,937, सेम आंसर आ गया है हमारा। क्या ये सबको समझ में आया है, जल्दी से टाइप करेंगे यस, अगर ये सबको समझ में आया है तो जल्दी से टाइप करेंगे यस, और आपको कॉपी में भी ऐसे ही करना है। हमें क्या करना होता है, एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जहां भी सब्ट्रैक्ट देखने को मिल जाए क्या करते हैं, एक बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, यही करते हैं, एक बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में देखते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, इट मींस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 858 फ्रॉम 4,57,635। अब हम हिंदी में देखते हैं तो हम राइट हैंड साइड से नहीं चलेंगे, देखो हम राइट हैंड साइड से नहीं चलेंगे, क्या हम कहां से चलेंगे, राइट हैंड साइड से ही चलेंगे। तो हमने क्या करना है हिंदी में, 4,57,635 में से 858 को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे, और सब्ट्रैक्शन शुरू करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वन लाइन लीव कर देते हैं, हमने ये लाइन किसके लिए लीव की है, जल्दी बताएंगे, वन लाइन लीव जो हमने की है किसके लिए किया है, जल्दी से मुझे बताएंगे, वन लाइन जो लीव हमने की है किसके, बोरो के लिए, वेरी गुड। अभी समझ में आ गया सबको, हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोरो के लिए करते हैं, यहां पे हम सॉल्व करेंगे इसको,
सॉल्व करेंगे। बोरो के लिए हमने लाइन छोड़ दिया है, उसके बाद में बिगर नंबर को लिखते हैं। तो बिगर नंबर को हम लिखेंगे 5, 3, 6, 7, 5 and 4। बिगर नंबर को पहले लिख दिया, अब स्मॉलर नंबर को लिखेंगे 8, 5, 8। और जो डिजिट्स नहीं दिए होते उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं, 0, 0 and 0। और इनको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और इनको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, अभी हमारे पास दोनों नंबर आ गए, एक बिगर नंबर आ गया, स्मॉलर नंबर आ गया, और जो नीचे आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आपको वो आंसर चेक भी करना होता है ना, यही तो कह रहा है। चेक कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, बाय यूजिंग एडिशन। एडिशन करके आपको वो आंसर चेक करना है। अभी पहले हम आंसर निकाल लेते हैं, राइट, डिफरेंस जो आएगा हमारा वो आंसर होगा। तो हम क्या 15 में से 5 में से 8 को माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम बोरो लेने जाएंगे 3 के पास, 3 हमें बोरो दे दो, तो 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बोरो लेकर 15 हो जाएगा हमारा 5, राइट। और इन दोनों को हम सर्कल में बंद कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए ये वाली लाइन में बोरो हमने लिखे हैं। तो 15 माइनस 8, जल्दी से बताएंगे, 15 माइनस 8 जल्दी से बताएंगे 7। वेरी गुड, 7 हमारे पास यहाँ आ जाएगा आंसर में। नाउ कैन वी सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2, क्या हम 5 को 2 में से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम बोरो लेने जाएंगे 6 के पास, एंड 6 विल बिकम 5 एंड 2 विल बिकम 12, एंड देन वी विल सर्कल इट एज इट इज अ बोरो। नाउ 12 माइनस 5 इज टाइप फास्ट, 12 माइनस 5 इज 7, राइट, 12 माइनस 5 इज 7। अगेन कैन वी सबट्रैक्ट 8 फ्रॉम 5, नो, देन वी विल कैरी और सॉरी देन वी विल टेक अ बोरो फ्रॉम 7 एंड दिस विल बिकम 15, राइट, दिस विल बिकम 15। अगेन 15 माइनस 8 इज अगेन 7, वेरी गुड, देन अगेन इज 7। नाउ कैन वी सबट्रैक्ट 6 and 0, यस, एंड दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 4। नाउ ये हमारा आंसर आ गया, आंसर आ गया सबका, यस, सबट्रैक्शन करके हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन यहां तक इसे सॉल्व नहीं करना है, ये क्या कह रहा है, वेरीफाई द आंसर। क्या करना है, वेरीफाई करना है आंसर को यूजिंग एडिशन। एडिशन यूज करके आपको वेरीफाई करना है, क्या यूज करके वेरीफाई करना है, एडिशन यूज करके वेरीफाई करना है, एडिशन यूज करके वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे एडिशन करने के लिए, ये जो हमारा आंसर आया है इसको ले जाके ऊपर लिख देंगे, राइट, इसको ले जाके ऊपर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 4,56,777 आ जाए, राइट, राइट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा नंबर है उसे हम वहीं की वहीं लिख देंगे और क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 8, 5, 8, 0, 0 and 0, यही है। अभी अगर हमारे पास आंसर आता है तो वो क्या आंसर आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आंसर क्या आना चाहिए हमारा, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, माइंड एंड आना चाहिए, राइट। लेट्स सी, हमने जो लाइन ऊपर लीव की है ये लाइन किसके लिए लीव की है, इस बार ये जो लाइन ऊपर लीव की है किसके लिए लीव की है बेटा दित्या, बताओ जरा, ये हमने जो लाइन लीव की है, नहीं, ये लाइन हमने कैरी के लिए लीव की है, कैरी के लिए लीव की है, ये लाइन किसके लिए लीव किया है, कैरी के लिए लीव किया है। आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो यही होता है, सब्ट्रैक्शन में बोरो होता है, एडिशन में क्या होता है, कैरी होता है, एडिशन में क्या होता है कैरी होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए एडिशन में क्या होता है, कैरी होता है। जल्दी से इसको ऐड करेंगे, अब 7 plus 8 is 15, वेरी गुड, 5 बी राइट हियर एंड 1 विल बी कैरी, 7 plus 5 plus 1, अगेन 8 plus 5 is 13, 3 विल बी हियर एंड 1 विल बी कैरी एंड 1 विल बी कैरी, एंड 8 plus 8 is 16, 6 विल बी हियर एंड 1 विल बी कैरी अगेन, then 6 plus 1 is 7, very good, and then we will add 5 plus 0 is 5,
देन अगेन वी विल ऐड 4 प्लस 0 इज 4. क्या देखो आपका ये जो यहाँ पर माइन्यूमेंट था, यहाँ जो माइन्यूमेंट था हमारे पास, वही हमारा आंसर आया है यहाँ पे भी. क्या हमारा आंसर वो भी यहाँ पे आया? एक्चुअल आंसर हमारा ये है, ये हमने वेरीफाई किया है बाई एडिशन. ये हमने वेरीफाई किया है बाई एडिशन. ये हमने वेरीफाई किया है बाई एडिशन. यहाँ तक सबको समझ में आया है? हाँ बेटा, आपका नेम ठीक है एकदम. यहाँ तक सबको समझ में आया है तो जल्दी से बताएंगे. यहाँ तक सबको समझ में आया है तो जल्दी से बताएंगे.